नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 हम आज इसका एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। देखिए, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। यदि ये दोनों समरूप हैं, यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो बच्चों इनका क्षेत्रफल क्या होगा, वही हम इस एक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। दो समरूप त्रिभुज, जैसे ये दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं यदि, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, त्रिभुज एबीसी यदि समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात मतलब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं एबी बटा पीक्यू का होल स्क्वायर बराबर बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटा आर पी का होल स्क्वायर। ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर होगा एबी बटा पीक्यू का होल स्क्वायर, एबी बटा पीक्यू का होल स्क्वायर, बीसी बटा क्यूआर का होल स्क्वायर और सी ए बटा आरपी का होल स्क्वायर। आशा करता हूं यह प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों को देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।